एमजीएम एंटरटेनमेंट्स की तरफ से बहुत अच्छा इवेंट यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया है। ये इवेंट का जो मोटिव है प्रोटेक्शन टुवर्ड्स वुमन डोमेस्टिक वायलेंस एंड वुमन एक्सप्लॉयटेशन, ये सब्जेक्ट बहुत गहरा है। यहाँ पर बहुत से लोगों को ये पता नहीं होगा कि एक अच्छे कॉज के लिए यहाँ पर ये इवेंट किया जा रहा है, और हम सब जो फील्ड पर काम करने वाले, पब्लिक इंटरेस्ट में काम करने वाले लोगों को, लोगों के लिए काम करने वाले लोग हैं। आज महिलाएं जिस प्रकार से एक्सप्लॉइट होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस, जो शादीशुदा औरतें हैं उनके हस्बैंड्स की तरफ से उनको बहुत बड़ा वायलेंस दिया जाता है, और इसका अवेयरनेस होना चाहिए कि गवर्नमेंट ने और कानून में क्या क्या प्रावधान है, व्हाट राइट्स दिस वुमन्स हैव। मुझे लगता है कविता और रेयांश ने और उनकी पूरी टीम ने बहुत अच्छा कॉज लेकर वो काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर डोमेस्टिक वायलेंस ये सब्जेक्ट बहुत आज की नेसेसिटी है, और मुझे, मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कविता, श्रेयांश, कैरन और हमारी इनम और पूरी टीम, शैलेश और बाकी सब पूरी टीम यहाँ पर ये कवर कर रहे हैं। शिवा भी है मेरा दोस्त, बहुत से लोग यहाँ पर मीडिया से आए हुए हैं, मैं उन सब लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। ये इवेंट को ज़्यादा से ज़्यादा आप हाईलाइट कीजिएगा। ये जनरल लाइफस्टाइल में जो महिलाएं फेस करती है वो फेस ना करें, और ये एक मूवमेंट है, ये मूवमेंट हम आगे बढ़ाएंगे। डोमेस्टिक वायलेंस की जो जो फ़ायदे हैं वो ये टीम आगे उसको प्रमोट करने वाली है। बहुत से, लगभग 8 से 10 बड़े बड़े फैशन डिज़ाइनर्स ने आज ये पार्टिसिपेट किया हुआ है। मैं वो सभी फैशन डिज़ाइनर्स को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। ये प्लेटफॉर्म है आप सब लोगों को एक्सप्लॉइट करने का, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लॉइट कीजिए, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर कीजिए। थैंक यू। थैंक यू अभिजीत सर, इट्स रियली अ ग्रेट ऑनर फॉर अस दैट यू एक्सेप्टेड आवर इनवाइट। इट इज सो काइंड ऑफ यू, डिस्पाइट योर बिजी स्केड्यूल यू हैव कम हियर टू अटेंड दिस शो, दैट टू इन अ शॉर्ट नोटिस। बहुत बहुत शुक्रिया, एंड आई एम, यस, तहे दिल से। रियांश इज बेटर इन हिंदी देन मी, लेकिन मेरे शब्द शायद कम पड़ जाएंगे सर की तारीफ में कुछ बोलने के लिए। मैं बहुत छोटा हूँ और ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता, बट इतना ही बोल सकता हूँ कि सर जो कर रहे हैं और जो करना चाहते हैं वो हम सबसे, इस सबसे बहुत बड़ा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना सर को सपोर्ट करें हमें भी सपोर्ट मिलेगी और हम सब आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच हमारे घर जाने के लिए। हाँ ऑफकोर्स, मैं अभिजीत दादा को मैंने हमेशा उन इवेंट्स में देखा है जो सच में जिन लोगों को एक एक सामर्थ की कितने हेल्प की जरूरत होती है, और उनका जब सपोर्ट होता है ना, जब वो आते हैं, हमें खुद ही वैसे ऐसे पॉजिटिव वाइब्स आ जाती है उनकी वजह से। और ये जो शो है, जो शो हो रहा है, बहुत तरीके के शो होते हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड चीज़ है। मैं कहती हूँ लोग, आप लोग इस चीज़ को समझिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। कविता रियान, यू हैव डन सुपर्ब जॉब। Thank Good. you. Congratulations. Karen, you speak. Come. Yeah. I would first of all like to thank Abhijit sir for, you know, at a very short notice, as soon as we told him, he was like, yes, I will definitely support. And the best thing about him, he supports all women for all good causes. So really from my heart, I say thank you so much, sir, for the invite. And definitely we are going to take this cause further. Aur bahut kuch aage karna hai abhi. Thank you so much. And a very good show put up. Thank you. First of all, I would like to congratulate both of you, Kavita and Riyansh, for organizing such a beautiful platform and a beautiful runway where we are not just walking the ramp, the models are just not walking the ramp, there is a cause behind it where they are supporting a cause in terms of domestic violence, which is very common nowadays. Nobody really talks about it, but it needs guts to run a cause like that, and I'm absolutely feeling honored that today I'm part of such a beautiful cause which is about domestic violence, which I do not support, and I'm sure we all are here to support the same cause. And congratulations to the entire team, everyone who's participating, the models,
and the organizers, congratulations for bringing up this thing together and making me part of this wonderful setup. Thank you. So looking forward to walk the ramp and distribute the awards. Dreams Achievers Awards, congratulations, and Fashion Runway Addiction 2022. Congratulations to the entire team for keeping up this thing together. I just want to thank her for mark her presence, and it is such an honor to have her because हमने इनकी बहुत सारी मूवीज़ देखी हैं जिसमें इन्होंने बहुत अच्छे रोल किए हैं. दिस सो गुड एंड वी आर ह्यूज फैन. नो वर्ड्स, बहुत जितना कहें उतना कम. थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम. आप firstly, I would like to say she's looking gorgeous, absolutely gorgeous in this yellow outfit. You are looking amazing. Thank you, Kavita. And thank you for coming here. It's really an honor and pleasure because in a very short notice, she accepted our invite and she came here to support the cause, that is fight against domestic violence. And as she said, this is a very important subject because people are reluctant to talk about it or create awareness. So we are happy that she has come here to support this cause. Thank you, ma'am. I would just say, just be yourself and be confident and just wear your smile. And when you walk the ramp, you know, especially when you're participating in a pageant, there is a lot of hopes behind all the models that they want to do something in life. Even I started as a model, and I started with the runway where I would walk the ramps in Lakme India Fashion Week and participate in pageants. So always we wanted to do something in life and make a difference to the society and give something back in return. So when you're walking the ramp, just be yourself, be confident, and you may never know what runway can take you where in life. And I clearly remember I have gone to, I remember being part of Miss Kerala pageant years ago, and that time I was a judge being a model, and Priyadarshan director spotted me next to him being the jury, and my entire destiny changed from Miss Kerala contest, where Priyadarshan director gave me a song opposite Akshay Kumar, Aila Re Aila, in Khatta Meetha, which turned out to be a huge hit. So you may never know what can happen at what platform. It could be a runway, it could be a pageant, it could be a cause like this. So just be yourself and just be there and just enjoy your journey. अच्छा शो क्या है ये केजीएफ एंटरटेनमेंट का, और हमारी टीम यहाँ पे थी इरम्स एंटरटेनमेंट की, और दीपक जी को भी अवार्ड मिला है. एंड ये हमेशा पर्दे के सामने तो रहते हैं लेकिन अप्रिसिएशन नहीं लेते, तो मैंने कहा नहीं, यू शुड टेक दिस कॉल. एंड बहुत हार्ड वर्किंग है, और इनकी मम्मी की तबीयत भी थोड़ी ख़राब है, तो आई एम रियली प्रेइंग फॉर हर. बहुत ही जज्बा है उनके अंदर, तो बहुत उनको छोड़ के आए हैं घर पे, तो मुझे बहुत हाँ मेरे बोलने पे आए. तो थैंक यू सो मच दीपक, एंड ऐसे टैलेंटेड लोग को आगे लाना चाहिए, तो वही मैंने कोशिश की है. जी मैं थैंक्स कहूँगा केजीएम एंटरटेनमेंट, केजीएम ड्रीम्स एंटरटेनमेंट, इरम फरीदी को और सरेश भाई को भी, जिन्होंने जिनके थ्रू मैं यहाँ पे आज पहुँचा हूँ मैं ये अवार्ड के लिए. तो आई से स्पेशल थैंक्स फॉर एवरीवन. मुंबई रफ्तार ने हमेशा अच्छी कोशिश की, मुंबई रफ्तार ने इरम्स एंटरटेनमेंट को बहुत सपोर्ट किया. रियली थैंक्स टू शैलेश भाई. हाँ शैलेश भाई फॉर मुंबई रफ्तार, और पुष्कर जी को खबर 24 के लिए ऑल द बेस्ट फॉर द टीम. बहुत ही बेहतरीन इवेंट हुआ है, बहुत ही अच्छा इवेंट हुआ है. इरम फरीदी हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत लग रही है, और इतनी अच्छी खूबसूरत फिल्म बनाती है ये. और हमारी आने वाली फिल्म में है मीट मिस्टर चैंग, जो कि इंटरनेशनल वेब फिल्म है, और बहुत जगहों पर जा रही है फिल्म फेस्टिवल के लिए.
हम इतना ही प्यार हमारे फिल्म के लिए चाहते हैं आप लोग की तरफ से। हाँ एक्टिंग, हाँ अभी आने वाला बहुत जल्द वापस कम बैक करना है मुझे वापस। आपसे नहीं पूछे, इनसे पूछे किसकी हिरम जी एक्टिंग कर रहे हैं। हाँ आ रहा हूँ, कोई ऐसा लगेगा जो लगेगा मुझ पर फिट हो, ऐसा नहीं कि प्रोड्यूसर हो और मैं कहूँगी नहीं 16 साल की लड़की का रोल तो बिल्कुल भी नहीं। एंड एक बात बोलूँगी मीडिया को, मैं चाहती हूँ कि शायद कोशिश ही कर सकती हूँ। लोग मुझे बोलते हैं आप प्रोड्यूसर हो के जल्दी सेट पे क्यों आते हो, आना चाहिए भाई प्रोड्यूसर हो, टाइम पे पहुँचना चाहिए और टाइम पे शूटिंग खत्म करनी चाहिए। तो अगर ऐसा कुछ ऐसा रोल लगेगा तो ज़रूर आई वुड लव टू डू दैट इन फ्यूचर। फ्यूचर भी नहीं, कुछ थोड़े दिनों के बाद इंशाल्लाह वो आपको नजर आके एक्टिंग करते हुए। ये जो कॉज है ऑफ कोर्स अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस, एक्चुअली उसका अवेयरनेस अभी बहुत बढ़ने लगा है बिकॉज ऑफ मेनी केसेस, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट समवन इज देयर टू सपोर्ट दिस कॉज एंड आई एम रियली ऑनर्ड टू गेट दिस अवार्ड। ये हमारी आने वाली फिल्म रिंकल्स है, उसमें ये काम कर रही हूँ जेनिफर, और इनको मैंने देखा तो मुझे लगा कि शी हैव टैलेंट, वो कहते हैं ना वो कूद के पाँव पालने में दिखते हैं, तो ये हमारे ऑडिशन इन्होंने किए और इनकी मॉम को भी मैं जानती हूँ, तो इनको मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि शी इज़ वेरी गुड इन एक्टिंग एंड इंशाल्लाह शी विल हैव बोर्ड विद अस श्योर राइट। सो रिंकल्स के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। यस उसमें नेहा का एक रोल है, काफ़ी अच्छा रोल है और सुपरस्टार हमारी जो है वो कर रही है, तो नेहा को रोल के लिए मैंने इनको सेलेक्ट किया एंड शी इज सुपर्ब एक्टर आल्सो, जैसे मैंने इनके ऑडिशन में देखा। गुड लक, थैंक यू। यस यस थैंक यू सो मच फॉर दिस अवार्ड, वेरी मच थैंक्स टू मिस्टर सेलर्स जी एंड KGM एंटरटेनमेंट। बहुत अच्छा था, देयर वर गुड डिजाइनर्स, गुड कलेक्शंस, एंबियंस वाज गुड, होस्ट वाज गुड and the media are always good. Okay, fashion is always what suits you. You create fashion and according to me you should not follow fashion, fashion should follow you. Thank you. Nice kya kya kis tarah dekhte hain aap? Main sabse pehle to KGM ड्रीम्स को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि जिन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया। जैसे कल तक नारी का जो स्थान था घर की चार दीवारी तक सीमित था, लेकिन आज घूंघट में छिपी रूढ़िवादिता का स्थान आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की रोशनी ने ले लिया है। आज कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ नारी ने अपना परचम नहीं फहराया है। कभी महादेवी वर्मा कहा करती थी कि विस्तृत नभ का कोई कोना कभी न मेरा अपना होगा, लेकिन आज की नारी तो सगर्व कहती है कि विस्तृत नभ का कोना कोना तो मेरा अपना होगा। तो हम जो सपने देखते हैं उन सपनों को आगे बढ़ाने में, आगे लाने में जिस तरह से आज KGM ने एक सहयोग किया है, उसी तरह से हम सब नारी को एक दूसरे को नारियों को आगे बढ़ाने में सहयोग करना चाहिए। और वही सही मायनों में नारी सशक्तिकरण की जो हम बात करते हैं वही मायने में होती है कि जब एक नारी दूसरी नारी को आगे बढ़ाए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं फादर्स डे की आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। वैसे तो 365 दिन फादर के होते हैं कि बिना फादर के हम कहते हैं ना वो आसमान जैसे होते हैं, और पापा हैं तो दुनिया के सारे खिलौने हमारे हैं। कि धीरे से चलते हुए छोड़ते हो मेरा हाथ और मुझे दे रहे हो जीने की सौगात, लड़खड़ाती हूँ जब जब मैं थामते हो तुम, ओ बाबा कितने प्यारे हो तुम, ओ बाबा कितने प्यारे हो तुम, आसमान रूप में मुझ पर छाया धरते हो और वृक्ष रूप में मुझ पर छाया धरते हो, और आसमान जितना मुझसे प्यार करते हो, जीतती हूँ जब जब मैं, नाचते हो तुम, ओ बाबा कितने प्यारे हो तुम, ओ बाबा कितने प्यारे हो तुम। अक्सर हम सब अपनी माँ की पूजा करते हैं लेकिन पापा के जो प्यार को है ना वो हम भूल जाते हैं, लेकिन सही बात तो यह कि पापा का साथ ही माँ में आभा बढ़ता है और पापा की वजह से ही माँ हम सब का सही तरह से पालन पोषण करती है। पापा कड़ी धूप में तपते हैं लेकिन हमको छाया देते हैं, इसलिए मैं मेरे पापा को दिल से नमन करती हूँ, मेरे बाबा को दिल से नमन करती हूँ। हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम सौरभ कुलकर्णी है, मैं प्रोफेशनल शेयर मार्केट और फॉरेक्स ट्रेडर हूँ। पिछले 7 साल से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ और मेरे अच्छे ट्रेडिंग परफॉर्मेंस के वजह से ये अवार्ड मुझे मिला, और मैं राज काले सर को थैंक यू बोलना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे कंसिडर किया कि ये अवार्ड के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम योगेश पोरे है, मैं मुंबई से हूँ और मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ,
और ये इंडस्ट्री में इतना बड़ा फ्यूचर है, और गए साल में मतलब करंट ईयर में मैं मोर देन 1 करोड़ रुपए यहाँ पे इस इंडस्ट्री में अर्न कर चुका हूँ। इसके लिए इस इंडस्ट्री ने मुझे ये ट्रॉफी दिया है, मेरे को रिकॉग्निशन किया है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल माय फ्रेंड्स, माय यूनिवर्स, मिस्टर राजकाले सर, माय ट्रेनर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू। फर्स्ट तो थैंक यू KGM कि मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, एंड इट्स अ अमेजिंग शो, बहुत मज़ा आया आज पूरा दिन। यहाँ की ट्रेनिंग अच्छी थी, मेकअप आर्टिस्ट बहुत अच्छे थे। मैं यहाँ एज अ परफॉर्मर आई थी, और मैं इस कंपनी की गुजरात की ब्रांड एम्बेसडर हूँ, एंड रियली इट्स अ गुड डे, एंजॉइंग फुल डे। हाँ, कायनाथ जी को देख के बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा कि चलो हम भी कभी ऐसे दिखेंगे। मैंने बताया ना, बहुत अच्छा लगा, पूरे जो सेशंस थे वो भी बहुत अच्छे थे, एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आसमा कपाड़िया, आई एम द सपोर्टिंग पार्टनर ऑफ KGM एंटरटेनमेंट। थैंक यू रियांश शर्मा जी एंड कविता किशोर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू बी पार्ट ऑफ दिस रॉकिंग इवेंट, and I'm so happy to be here, and I watched the fashion shows. It was really awesome with so many designers showcasing their products, and we got this lovely appreciation, token of appreciation from KGM Entertainment. Thank you. कोड का एक्चुअली हकदार तो मैं था नहीं, लेकिन रियाज भाई ने इस बार पता नहीं क्या देखा, मेरी मेहनत को देखा या ऑनर को देखा, मुझको और पुष्कर भाई को, दोनों को ऑनर किया इन्होंने, तो थैंक्स फॉर रियाज भाई एंड कविता, लोगों ने, इन दोनों ने मेरी ईमानदारी समझी, काम समझा, और आज आप लोग जो है इनके बदौलती है, और इन्होंने हम पे विश्वास दिखाया, तो मैं थैंक्स रियांश भाई, आपने मेरे पे इतना भरोसा दिखाया, आगे भी काम करेंगे हम। शैलेश भाई हमारे परिवार की तरह हैं, हमें कॉन्स्टेंट सपोर्ट करते हैं और हमेशा इतना प्यार देते हैं कि हमसे संभाले नहीं सकते। थैंक यू रियांश, थैंक यू। नेक्स्ट शो में हम जल्दी मिलेंगे। 100% थैंक यू गाइस।